जो गले में सांप लपटा हुआ है, बिच्छू लपटा हुआ है, छिपकली लटका हुआ है, पूरे शरीर भभूत लगाया, मिट्टी लगाया है, अंग व्यंग शरीर अलग ढंग से बनाया हुआ है, अघोरी आया मेरे दरवाजे पर, पहचान नहीं पाई भोलेनाथ पे भगवान आए थे। बोला नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। भिक्ष देकर आई सोने की थाली में, बोला नहीं मुझे तुम्हारी भिक्षा नहीं चाहिए, मैं तो केवल तुम्हारे लाला को देखने आया हूँ। वो रूठ के चले गए। आज भी नंद गांव से कोई जाएंगे तो नंद महल से करीब 5-6 किलोमीटर पर जहाँ भोलेनाथ बैठ गए थे, उस जगह का नाम आशेश्वर महादेव है, आशा लगा के बैठ गए थे कि आज न कल हमें हमारे भगवान हमको दर्शन जरूर देंगे। लेकिन भगवान अपने भक्त के बिना रह नहीं सकते। वैष्णवा नाम जथा शंभु, भगवान शंभु से बड़े कोई वैष्णव नहीं है, भगवान के सबसे परम भक्त है। इधर भगवान रोने लगे हैं, भगवान शिव चले गए और भगवान इधर आंगन में रोने लगे, रो रो कर बुरा हाल है। अंत में नंद बाबा आए, गोपियां लोग आई, गोप लोग आए, भगवान चुप नहीं हो रहे हैं। यही प्रश्न हो रहा है, कोई आया था क्या, क्यों रो रहा है? तो बताया कि अघोरी आया था, हमने उससे भिक्ष दिया, लिया नहीं, बोला कि हम तुम्हारे बेटा का दर्शन करेंगे। तो मेरा बेटा भगवान है जो दर्शन करेगा? बोला भाई देखो कहाँ गया। चारों तरफ भेज दिया गया ग्वाल वालों को ढूंढ के लाए। बाबा तो ध्यान लगाए थे आशेश्वर महादेव में, नंद बाबा को लेकर आए, नंद बाबा के पार्षद लोग ग्वाल वाले उनको लेके आए, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ को देखे कि भगवान लगे हंसने, रोना बंद। भगवान हंस रहे हैं, नंद बाबा बोल रहे हैं, अरे बाबा ऐसा करो, आपको देखकर मेरा बेटा हंस रहा है, आप यहीं रह जाओ, आप मत जाओ। अरे मैं श्मशान घाट में रहने वाला, मैं जंगल पहाड़ में रहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। बोला नहीं नहीं बाबा, आप यहीं रह जाओ, आपको देखकर मेरा बेटा बहुत खुश हो रहा है, हंस रहा है। भोलेनाथ बोले, मैं एक स्तर पर रह सकता हूं, आप मुझे यहां स्थान दो, और जो तेरा बेटा ऊपर में जो खाएगा ना, वह उच्छिष्ट भोजन मुझे दोगे तब मैं यहां रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। तो आज भी आप जाएंगे नंदगांव में, भगवान का मंदिर ऊपर में या नीचे में, नंदेश्वर महादेव है, नंद जी स्वयं पूजा करते थे, और आज भी वहां भोग लगने के बाद वो थाली पे नीचे भोग लगता है, तब पब्लिक में बांटा जाता है। फिर आघासुर आया, पुतना का सबसे छोटा भाई, बातासुर का छोटा भाई, वो सांप के भेष में था, वो अजगर अजगर के भेष में, ऐसे मुंह बाहे खड़ा था, कोई जिसमें कृष्ण या बाल ग्वाल बाल घुसेंगे मैं मुंह दबा दूंगा। भगवान उसे उद्धार किए, तमाम ग्वाल बाल अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए हैं। तो पहले जमाने में ऐसा सिस्टम था गाय चराने का, गाय बड़े लोग चराएंगे, अब छोटे बच्चे लोग बछड़ा चराएगा, बछड़ा बछड़ा दोनों एक साथ यदि चरेगा तो क्या होगा कि बछड़ा गैया का दूध पी जाएगा,
तो दूध को बचाने के लिए गाय कोई और जंगल में और बच्चे सब कोई और जंगल में चढ़ते। अब भगवान छोटे छोटे बछड़ा को चराने लगे, अभी गाय नहीं चरा रहे, उतना ज्यादा छोटे। तमाम ग्वाल वाल अपने अपने घरों से भोजन लेके आते थे, एक साथ मिला दिए, भगवान उसको खिला रहे हैं, भगवान को समूह में खिला रहा है। ये ग्वाल वाल कोई और साधारण ग्वाल वाल नहीं थे, सब वैकुंठ से आए थे, सब भगवान के नित्य पार्षद थे। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, भगवान है एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं, भगवान है ये, भगवान नहीं हो सकते। देखिए बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, हमने कल बताया शिव जी भ्रमित हो गए। हम आप किस खेत के मूली हैं, तुरंत में भ्रमित हो गए भगवान है कि नहीं, कह रहे भगवान ही नहीं। जब ऐसे ऐसे लोग भ्रम में आ सकते हैं तो हम आप कहाँ हैं। माया बड़ा प्रबल है और भगवान के माया से कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मा जी भ्रम में आ गए कि भगवान है, नहीं भगवान नहीं, भगवान है भगवान नहीं, जूठा सबके खा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में खिला रहे हैं, ये सब ग्वाल वाल ऐसा कूद रहे हैं, एक के देह पर एक कूद रहा है, एक के देह पर एक, भगवान के देह पर कोई कूदेगा क्या? उन्हें यही नहीं मालूम कि कितने वो सब छोटे छोटे ग्वाल वाल है, वो सब के सब चतुर्भुजधारी बैकुंठ के वासी लोग हैं और भगवान तो लीला कर रहे हैं, उनके लीला को कौन समझ सकता है। जब ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते हैं, शिव जी नहीं समझ सकते हैं, बड़े बड़े देवतागण भी नहीं समझ सकते हैं, तो हम लोग क्या है? सब भ्रम, ब्रह्मा जी भ्रम में पड़ गए। भगवान इधर ग्वाल बाल के साथ खेल रहे हैं, वो जितने बछड़ा है भगवान चोरी कर लिया, ब्रह्मा जी चोरी करके छुपा दिए। इधर भगवान बछड़ा को देखने आ रहे हैं तो सब ग्वाल बाल को भी छुपा दिया ब्रह्मा जी, सबको छुपा के एक जगह रखते हैं। और हमने कल बताया था कि ब्रह्मा जी का एक पल भी यहाँ का हजारों वर्ष होता है, थोड़ा देर ब्रह्मा बहुत लंबे टाइम के, उनका लंबा सब कुछ सिस्टम है। ब्रह्मा जी सबको छुपा दिए। इधर जो ब्रज की गोपियां थी, जो ब्रज के गौवे थी, सब भगवान कृष्ण के देखकर मोहित थे, आहा ये बेटा मुझे होता, मैं इसे दूध पिलाती। सब मैया सोच रही है मैं इसे दूध पिलाती, सारे गाय सोच रहा है, सोच रही है मैं इसे दूध पिलाती, मेरी मेरा दूध पिता कृष्ण। भगवान को सब आकर्षित, भगवान कृष्ण का एक सब आकर्षण भी होता है, सबको अपने ओर आकर्षित कर लेगा, सब आकर्षित हो गए। भगवान इच्छा पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी का एक मौका यही देखे, सबको छुपा दिए। तो भगवान क्या किए, जितने ग्वाल वाल जिस प्रकार के थे, जिस कपड़े पहने थे, जैसे कलर के, जैसे चेहरे के थे, उतने रूप में अपने शरीर को विस्तार कर, उतने ग्वाल वाल बन गए और उतने ही बछड़ा भी बन गए। जितने बछड़ा ब्रह्मा जी छुपा दिए थे, लाल कलर, उजला कलर, काले कलर, अलग अलग कलर के, सारे उतने भगवान अपने शरीर को बछड़ा बना लिए, उतना बछड़ा बना लिए, उतने ग्वाल वाल बन गए और आ गए कहाँ, नंदगांव में बछड़ा लेकर। वो बछड़ा को सब तो भगवान थे, बछड़ा बछड़ी ही सब भगवान, ग्वाल वाल भी सब भगवान, और भगवान बन के सबका दूध दूध पान भगवान कर रहे हैं, सब माताओं का दूध भगवान पी रहे हैं, सब गायों का दूध भगवान पी रहे हैं। इधर ग्वाल ग्वालर ग्वाल बाल जो नंदगांव के जो गोप लोग हैं वो सोचने लगे ये क्या मामला है, आजकल जो बच्चे जो हमारे गांव में घूम रहे हैं, जो बछड़े सब हैं, उसके प्रति मैया लोग ज्यादा आकर्षित हो रही है, गाय भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ रहे हैं, मैया लोग भी अपने अपने बेटों को नहीं छोड़ रहे हैं, क्या बात है। इधर ब्रह्मा जी भ्रम में आ गए, नंदगांव में देखे
जैसे जितना बच्चा को छुपा के रखा हूँ सब यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो जहाँ छुपाए तो वहाँ देखने गए तो वहाँ भी सब ऐसे बैठा हुआ है, और यहाँ भी फिर देखने आए तो यहाँ भी है। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, भगवान से आके प्रार्थना करने लगे कि मुझे क्षमा कर दें। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारण, हे प्रभु आप सभी कारण के कारण हैं, आप ईश्वर हैं। हमसे भूल हुई है, हम भ्रम में पड़ गए कि मैं क्षमा कर दें। सारे ग्वाल बाल और सारे बछड़ों को मुक्त करके ब्रह्मा जी क्षमा मांग रहे हैं भगवान से। इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्तुति किए हैं, भगवान अब गोचारण के लिए जा रहे हैं। अब भगवान गाय चराने के लिए इतना बड़े हो गए। भगवान जब गाय चराने के लिए बड़े हुए हैं, जब गाय चराने जाते थे शाम को सारे अटारियों पर गोपियां इंतजार कर कृष्ण कब आएगा, और बांसुरी बजा करके ही सारे गायों को इकट्ठा कर देते, उन्हें डंडा नहीं मारना पड़ता। मधुबन में गाय चराते थे भगवान, मधुबन के आगे तालवन है, वृंदावन ब्रज जो है बारह वन में, बारह वन है ब्रज में, अभी वृंदावन कामवन मधुबन तालवन खांदिरवन सात वन जमुना के इस पार में और पांच वन जमुना के उस पार में, लौह वन बेलवन महावन इत्यादि उस पार में, कुल बारह वन है। भगवान बारह वनों में लीला किए। ताल वन में एक धेनुका नाम के असुर और असुर वहां जो भी कोई ताल खाने आता उसको मार देता था। बलराम जी धेनुका असुर को वध किए हैं। उसके बाद यमुना जी में कालिया का उत्पात था। देखें भगवान हम लोग का जो शरीर है ये पंच तत्व से बना है, ब्रह्मा जी हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग किए हैं, पांच अस्थूल तत्व है मिट्टी जल अग्नि आकाश और हवा। भगवान पांचों चीज को शुद्ध किए। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया त्रिनावर, भगवान ने हवा को शुद्ध किए। अभी भगवान कालिया नाग को मर्दन करेंगे, जल को शुद्ध करेंगे, आगे भगवान अग्नि पान करेंगे, अग्नि को शुद्ध करेंगे। भगवान ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खाएंगे, मिट्टी को शुद्ध करेंगे, और ब्रह्मासुर को मारेंगे तो आकाश को शुद्ध करेंगे। भगवान पांचों तत्व को शुद्ध करेंगे। कालिया का उत्पात, मैं बहुत संक्षेप समय कमी है, कालिया का उत्पात प्रारंभ हो गया है। कालिया इतना विशाला विष था उसका कि ऊपर से उड़ने वाला पक्षी भी जल के मर जाता। वहां कौन अपने पशु को पानी पिलाने के लिए जाएगा, इतना भयानक था। भगवान गेम खेलने के बहाने रहे हैं, सारे ग्वाल बाल है, भगवान जानबूझकर गेंद को फेंक दिए।
भगवान वहां यमुना जी में कूद पड़े, हाहाकार मच गया, अरे कालिया डस लेगा, मर जाएगा। नंद बाबा यशोदा दौड़े हुए आई, कालिया के फन पर भगवान नृत्य शुरू किए। I'm